सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। प्रणाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत खेतों से। अभी मैं आ रही हूँ अपने खेत में मंडुवे की लवाई करने के लिए। तो आज हमारी आखिरी लवाई है इस खेत में मंडुवे की। तो एक ही खेत बचा हुआ है जहाँ हमने मंडुवे की लवाई करनी है और इस खेत में पूरा मंडुवा पक चुका है। परसों हम एक कंडी यहाँ ऊपर वाले खेत से ले गए थे तो आज नीचे वाले खेत से ले जाएंगे हम पूरा। तो पूरा मंडुवा जो है पक गया है। मंडुवे की बालियाँ देखिए पूरी पक गई हैं ऐसे, ये देखिए। बाकी मेरी मम्मी भी यहाँ पर लगी हुई है मंडुवे की लवाई करने पर और यहाँ से मैं आप लोगों को खेतों का व्यू दिखाती हूँ। और अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4:30 बजे से और यहाँ खेत से हो रही है ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज हम इस खेत में ना पूरे मंडुवे की लवाई कर लेंगे, जितना भी होगा पूरा वो कर लेंगे। फिर जो मंडुवा का जो घास होता है उसको अगले दिन काटेंगे। अब धीरे धीरे देखिए इधर की साइड खेत खाली होने लग गए हैं और धूप भी देखिए ऊपर पहाड़ियों पर हल्की हल्की दिखाई दे रही है। तो इस खेत में जितना भी मंडुवा था ना तो हमने लवाई कर दी है और यहाँ पे एक कंडी हुई। तो अब जाते हैं घर। खेत से घर आने के बाद अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने किचन गार्डन में। बाकी मेरी मम्मी यहाँ पे लगी हुई है लकड़ियाँ तोड़ने पे और मैं अपने किचन गार्डन में आ रही हूँ सब्जी के लिए। तो देखते हैं किचन गार्डन से कौन सी सब्जी ले जाऊंगी मैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूं अपने किचन गार्डन में और यहां देखिए लाल मिर्च भी हो रखी है निकालने के लिए। बाकी अभी मैं ना यहां आ रखी हूं सब्जी के लिए। तो आज सब्जी में ना ही मैं कद्दू ले जाऊंगी और तो कुछ है नहीं, ना ही राई ले जाऊंगी। बाकी मैं आ रखी हूं तोरी के लिए। तो ये रही पहाड़ी तोरी, तो इन्हीं को निकालूंगी मैं। तो दो तोरी तो मैंने निकाल दी है किचन गार्डन से, बाकी निकालूंगी अभी मैं गोदड़े। तो यहाँ पर लगे हुए हैं काफ़ी सारे गोदड़े। पहाड़ों में दो प्रकार की तुरई होती है, एक तो मैंने ये निकाल दी और दूसरी यहाँ ऊपर की साइड लगी हुई है, तो ये वाली निकालूंगी मैं तुरई। बाकी एक कद्दू हम दे रहे हैं उधर गांव में ताई लोगों को। तो अभी यहाँ पे बंडी आ गया है। तो यहाँ पे मैंने दो तोरी निकाली और दो तीन गोदड़े निकाले, तो दोनों को तुरई बोला जाता है। तो चलिए जी, किचन गार्डन से मैंने तो सब्जी निकाल दी है, अब चलती हूँ मैं घर। तो मम्मी ने यहाँ पे इतनी लकड़ियाँ तोड़ दी हैं, मम्मी लकड़ियों को लेकर आएगी और मैं ले जाऊँगी सब्जी को। तो किचन गार्डन से मैं घर भी पहुँच गई हूँ और यहाँ पे मैंने ना आग भी जला दी है और खेत से जो मंडुवा लाए थे ना तो वो मैंने यहाँ पे डाला। बाकी अभी मैं चलती हूँ गौशाला भैंस से दूध निकालने के लिए, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो चलिए जी, मैं गौशाले से भी आ गई हूँ। अब बाकी अभी सब्जी वगैरह काट लेते हैं और रात के डिनर की तैयारी कर लेते हैं। और रात के डिनर में पहाड़ी स्पेशल होने वाला है। ये सब्जी काटनी है मुझे, मीठे करेले हो गया, तोरी हो गया और गोदड़े। तो आज इसकी सब्जी बनेगी। Thank you.
सब्जी भी मैंने काट के तैयार कर दी है और आज हम बनाएंगे मिक्स सब्जी, जिसमें मीठे करेले हो गया, तोरी होगी, गजड़े। और रात का जो डिनर है वो बन रहा है बाहर पे, और कढ़ाई भी मम्मी ने चूल्हे में रख दी है और इसमें तेल भी डाल दिया है, और तड़के में डाला है मम्मी ने जीरा हो गया और धनिया के दाने, तो वो भी चटकने लग गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे सब्जी। सब्जी भी डाल दी है, इसमें हम डालेंगे नमक, तो एक चम्मच नमक की डालेंगे, अगर कम पड़ा तो फिर बाद में डालेंगे हम। तो अब नमक में ही अच्छी तरह से कच्ची को लगातार चलाते रहेंगे। इसमें हम डालेंगे मसाले, जिसमें सब चीज़ घर का ऑर्गेनिक है, लाल मिर्च हो गया, हरी मिर्च, धनिया हो गया, जीरा हो गया, और लहसुन की कलियां जो मम्मी ने सिलबट्टे में पीसी थी, तो हम ज़्यादातर घर ही का है, तो इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसमें, और सब चीज़ घर का ऑर्गेनिक है नमक को छोड़कर। तो चलिए जी, अच्छी तरह से हमने लगातार करछी को चलाया और इसमें पानी की ज़रूरत भी नहीं है, तो ऑलरेडी देखिए इसमें पानी है। लगातार करछी चलाने के बाद इसमें हम रखेंगे ढक्कन, तो ढक्कन भी रख दिया है। सब्जी तो बनी रही है, बाकी अभी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है गेहूं का आटा, तो आटा गूंथेंगे हम। आटा भी गूंथ के तैयार कर दिया है और तवे को भी चूल्हे में रख दिया है। एक थाली पे मम्मी ने मुझे गर्मा गर्म डिनर भी परोस दिया है। डिनर में है मिक्स सब्जी, जिसमें गुदड़ा हो गया, तोरी, दोनों को तुरई बोला जाता है हिंदी में, और गेहूं के आटे की रोटी। तो लेते हैं गर्मा गर्म डिनर का मजा। मिक्स जो पहाड़ी सब्जी होती है ना, वो काफी स्वादिष्ट होती है, तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म डिनर करने के लिए। तो लेते हैं गर्मा गर्म डिनर का मजा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।